कोविशील्ड के 1.5 लाख टीके मिले। मुंबई में कल से फिर शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान, बीएमसी ने दी जानकारी। रक्षाबंधन के दिन लोकल ट्रेन में यात्रा करने की मिले अनुमति। रक्षाबंधन के मौके पर राज्य की बहनों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की मांग। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने शरद पवार पर किया तीखा हमला, कहा एनसीपी के जन्म से राज्य में जातिवाद की राजनीति को मिला बढ़ावा। राज्य में दिवाली तक नहीं खुलेंगे स्कूल, मंदिर खोलने का अभी भी कोई फैसला नहीं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बड़ा बयान। भाजपा के जन आशीर्वाद यात्रा को रोकने के लिए एक्शन में आई महाराष्ट्र सरकार, कोरोना नियमों के उल्लंघन के तहत 19 FIR दर्ज। FIR दर्ज होने से भड़के राम कदम, कहा सरकार चला रहे हो या निजी कंपनी, कितनी भी FIR दर्ज कर दो जन आशीर्वाद यात्रा जारी रहेगी। खराब रास्ते को लेकर मनसे कार्यकर्ता आक्रामक, थाने के भिवंडी इलाके में मालोड़ी टोल प्लाजा पर मनसे कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। स्मृति स्थल शुद्धिकरण पर फडणवीस ने साधा शिवसेना पर निशाना, कहा ये हरकत शिवसेना के तालिबानी मानसिकता को दर्शाती है। अजीत पवार ने राज ठाकरे की उड़ाई खिल्ली, कहा कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातें को महत्व देने की जरूरत नहीं। मुंबई, थाने और रायगढ़ में डेंगू और मलेरिया का बढ़ा खतरा, बारिश के कारण तेजी से फैल रही है बीमारी। 100 से ज्यादा फिल्म और टीवी सेलिब्रिटी हुए सेक्सटॉर्शन के शिकार, साइबर सेल के हत्थे चढ़े 5 आरोपियों ने किया खुलासा। पुणे के किसान ने किया कमाल, दार्जिलिंग से सेब के पौधे लाकर 19 महीने में की सेब की खेती। महाराष्ट्र के बुलडाना में भीषण सड़क हादसा, लोहे सरिया से भरा ट्रक पलटा, 15 मजदूरों की मौत। पुणे के ट्रैफिक पुलिस का गजब कारनामा, बाइक के साथ बाइक सवार को भी किया टोक। राज्य में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश का अलर्ट, उत्तर महाराष्ट्र में येलो अलर्ट। मंत्रालय के गेट पर युवक ने की जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश, पुलिस ने तत्काल हिरासत में ले कराया अस्पताल में भर्ती। पहले टीके की 2 डोज पूरी करेंगे, फिर बूस्टर डोज पर विचार करेंगे, बूस्टर डोज पर राज्य सरकार की सहमति, अजीत पवार का बयान। मुंबई में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटों में 322 नए मामले आए सामने, 6 मरीजों की मौत, 223 मरीज हुए ठीक। मुंबई में लगातार तीसरे दिन गिरे डीजल के दाम, शहर में अब डीजल 96.84 रुपए प्रति लीटर। किरित चौमैया पर आक्रामक हुए शिव सैनिक, वाशिम की ओर बढ़ रहे काफिले पर फेंके गए पत्थर और काली स्याही। जाइडस कैडिला की वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मिली मंजूरी, 12 साल से अधिक उम्र वालों को लगेगा टीका। मुंबई में आज सोने के दामों में आई बढ़ोतरी, सोना 46,400 रुपए प्रति तोला, वहीं चांदी के दामों में गिरावट के साथ चांदी 62,200 रुपए प्रति किलो हुआ। आज मुंबई के शेयर बाजार में देखी गई गिरावट, सेंसेक्स 300.17 अंक गिरकर 55,329.32 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 118.30 अंक टूटकर 16,450.50 तक पहुंचा। 10 साल तक नागपुर में रहा एक तालिबानी, पुलिस ने किया रिपोर्ट, अब मशीन गन के साथ फोटो हुई वायरल। थाने में आ जाए कोरोना के 53 नए मामले, 49 मरीजों ने कोरोना को दी मात, 2 की मौत।